सो गाइस वेलकम टू माय चैनल माउ वेवी एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमेजिंग टेक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर कैसे ऐड करें, क्योंकि दोस्तों कम सब्सक्राइब होने से लोग सोचते हैं कि इसका कंटेंट अच्छा नहीं है, तब इसके सब्सक्राइब कम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच जाए। अब चलता हूं दोस्तों मैं अपने फोन की होम स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों हम आ गए अपने फोन की होम स्क्रीन पर और इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने फोन का जो क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि सर्च वाले टैब पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको सर्च करना है youtube.com। आप जैसे ही youtube.com सर्च करेंगे तो आपका जो YouTube है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि अपने YouTube को डेस्कटॉप साइट पे ओपन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर की ओर जो थ्री डॉट्स का निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो YouTube है वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। आप जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऊपर की ओर अपने चैनल का जो लोगो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है योर चैनल, इस पर क्लिक कर लेना है। योर चैनल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो YouTube चैनल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो कस्टमाइज चैनल, एक मैनेज वीडियो। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया है। अब यहाँ पर आपको अपने चैनल के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। आप जैसे ही ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे की ओर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दो नंबर का चैनल, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया। यहाँ पर आपको तीन जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो बेसिक इन्फो, एक एडवांस डी सेटिंग और एक फ्यूचर इजिबिलिटी। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे एडवांस सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे आप थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा सब्सक्राइब काउंट। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब काउंट वाले टिक को आपको हटा देना है। और हटाने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे की ओर जो आपको एक सेव का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके YouTube चैनल के सब्सक्राइब ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी YouTube चैनल के सब्सक्राइब ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस चैनल पर ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे।